एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वो हाँ, और आज है सैटरडे और आपको कल मिलेगा संडे वाले दिन ये ब्लॉग देखने के लिए, अगर मेरी पार्टी ज़्यादा नहीं हुई। बट मेरी पार्टी हमेशा ज़्यादा होगी। आज सैटरडे है, संडे हम पुष्कर जा रहे हैं, मंडे होली, संडे पार्टी पुष्कर जाके, फिर मंडे होली और ट्यूसडे हम वापस आएंगे, तो मेरे कंटिन्यूस ब्लॉग्स रहेंगे। और आज मैंने क्या पहना है, आज मैंने ये कलर पहना है क्योंकि ये पड़ा हुआ था बहुत टाइम से और होली है तो आई लव कलर्स, आई एम वेरी हैप्पी। और जिससे मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो नहीं किया, आप प्लीज़ मनप्रीत कौर, मैं भूल गई, मनप्रीत कौर _14 पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यस, आज मैंने क्या पहना, मैं दिखा रहा, इग्नोर करना बिल्कुल भी, बहुत ही बुरा है। आज मैंने ये पैंट पहनी है और नीचे मैंने, वैसे मैं मोस्टली सैंडल या शूज ही पहनती हूँ और मैं सॉक्स भी पहनती हूँ, बट ये तो मैंने आपको बताया नहीं। मैं जा रही हूँ बाबू बाजार, मुझे लेनी है होली के लिए व्हाइट फ्रॉक, सो मैं एक व्हाइट ड्रेस लेने जा रही हूँ, बट मेरा मन है कि मैं फ्रॉक लूँ और इस हेयर स्टाइल पे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसे जैसे ये मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिल से अडॉप्ट कर चुकी हूँ इस हेयर को। और यस, आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी इसीलिए भी हूँ क्योंकि इस हेयर कट की वजह से मुझे, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। लोगों को मेरे नेक्स्ट हेयर कट के बारे में जानना है तो मैं अभी बता दूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे मना कर दिया है। मैं डेली अपनी, कुछ मेरी जो फ्रेंड्स हैं मेरे बर्थडे पे आई थी, आप नहीं जानते हैं, ना तो वो, हम लोग जब साथ में होते हैं तो कैमरे पे होते हैं, मतलब हम यूज़ ही नहीं करते हैं। सो हम लोग 3-4 दिन से कैफ़े में रोज़ जाके शाम में बैठ रहे, बातें कर रहे, तो मेरे हेयर स्टाइल के लिए मेरी फ्रेंड्स ने मना कर दिया। सो अब आई हुई है प्रैक्स की फ्रेंड, मैं उसको लेके जा रही हूँ बापू बाजार और मैं अपने लिए लूँगी एक वाइट ड्रेस। और आज है सैटरडे, अभी सही नहीं रहता है और आज मैं जा रही हूँ वाइट फ्रॉक लेने। और हाय करो, ये है प्रैक्स की फ्रेंड रुचि, राइट? यस, सही नाम ले लिया मैंने फाइनली। मुझे बहुत टाइम लगता है नाम किसी का अडॉप्ट करने के लिए। मैं धूप में तो जा रही हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे घर से धूप में निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस, आज मैं आपको फुल ऑन ब्लॉग दूंगी, ठीक है? सो बने रहना, कहीं जाने की जरूरत है, देख लो कहीं जाने से पहले ना ट्रैफिक, हमारे यहाँ का ट्रैफिक का पूछो मत। अंकल जी कैसे निकलेंगे? अंकल ने हमें एक महारानी मार्केट में छोड़ा है कि यहाँ पे तुम लोग चेक कर लो, अगर मिलता है फिर वो हमें बापू बाजार छोड़ देंगे। भैया भैया मुझे सिर्फ व्हाइट फ्रॉक चाहिए। भाई तो सही है, आप अंदर तो आइए, मैं आप कुछ और भेज दोगे मुझे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ से मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी चीजें ले चुकी हूँ इसलिए मुझे पता। देखिए एक नया नया आइटम और भी, व्हाइट फ्रॉक सब मिलेगा, आप बैठो तो सही है। ठीक है, कुर्ती नहीं फ्रॉक्स लेके, अच्छी अच्छी व्हाइट, लेट्स सी यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ से नहीं मिली है, जब मैं जयपुर से आई थी, चंडीगढ़ से आती थी, तो इन लोगों ने मुझे बहुत चीज़ें चिपकाई थी, मैं बहुत सारी शॉपिंग करती लेके गई थी चंडीगढ़, तो इस बार मैंने इनको बोल दिया मुझे सिर्फ व्हाइट फ्रॉक चाहिए, बट नहीं थी। अंकल इनके पास वो नहीं है जो हमें चाहिए अंकल, तो बापू बाजार ही चलते हैं। ये राजस्थानी, अच्छा यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, चलो। और अंकल हमें ना बहुत सारी जगह घुमा रहे हैं कि यहाँ देख लो, ये मार्केट देख लो, ये मार्केट देख लो, जबकि मुझे होली के लिए चाहिए सिर्फ व्हाइट फ्रॉक। सो अंकल का दिन रख लेते हैं, है ना अंकल जी? अंकल जी कुछ बोल दो। क्या बोलूं? आज आप हमें घुमा रहे हो जयपुर, घुमाएंगे तो अंकल। चलो, नहीं पसंद आया हमें यहाँ कुछ भी, हमें वेस्टर्न ले रहे हैं, पसंद नहीं आया मुझे, वेस्टर्न में चाहिए। ये लोग मुझे एथनिक में फ्रॉक्स सिखा रहे हैं, उसको फ्रॉक्स नहीं बोलते, उसको सूट बोलते हैं, अब मैं कैसे बोलूँगी इनको? पूरी अमेजिंग, अभी मैं जहाँ लेके जा रही हूँ ना इस फ्रॉक की, पानी पूरी भी अच्छी है और सब अच्छा है, मैं बहुत डर आ चुकी हूँ। पहले पानी पूरी खिला दो भैया, नहीं ये वाली दुकान की खानी है हमें, ये वाली दुकान की खानी है। ओके भैया मुझे तो तीखा वाला देना। ये वाली जो शॉप है ना, यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी और ये हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी, यहाँ की चाट बहुत अच्छी है और मैंने अभी आलू टिक्की और एक बर्गर ऑर्डर किया है, वो खा के देखना। ओके, तो आज मैं खिलाऊंगी यहाँ रिकमेंडेशन। यस, और यहाँ पे मैं प्रैक्स को बहुत टाइम से लाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला ना उसको, बिजी, इसलिए तो गुस्सा आता है उसमें मुझे, बट ठीक है आज मैं प्रैक्स की फ्रेंड को खिलाऊंगी चाट
फ्रेंडली सही। और इसके बाद जाएंगे हम वाइट फ्रॉक ले रहे और शाम में जाना है पार्टी। बिजी फुल डे बिजी। आलू टिक्की मैंने इससे अच्छी आलू टिक्की जयपुर में अभी तक नहीं खाई है। हाँ लड़कियाँ भाई खाने से पहले लड़कियों के हाल होते हैं। आलू टिक्की बहुत टेस्टी है ना। मेरी चॉइस हमेशा नंबर वन होती है। मैं हर किसी को चूज नहीं करती, अगर मैं करती हूँ तो इट मीन समथिंग स्पेशल। बहुत अच्छा लगा था वो यही खाता था और मैंने भी जब ट्राई किया बहुत नाइस था। सो ये मैंने आज मंगाया दो चीज़ें ताकि इस चटोरी लड़की को अच्छी लगे। बना रही हूँ 190 भाई। ये दुकान ओह दिख नहीं रही है, सॉरी सॉरी। लक्ष्मी चाट भंडार ये बाबू बाजार में है। मैं आपको चाट खानी है तो मैं ये रेकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि जब भी मुझे चाट खाना होता है, जब भी मुझे चटोरी टाइप फील होता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। और आज मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे दिन में खाना पसंद नहीं है, मुझे इवनिंग में ही खाना पसंद है। सो ओके लेट इट बी। हेलो तो चलो अभी ढूंढते हैं वाइट फ्रॉक, देखते हैं मिलती है नहीं। नहीं मिलना भी यहाँ पे बहुत बड़ा टास्क है, हमें ढूंढनी पड़ेगी। सो उसने कहाँ बोला था किस साइड जाना है? इस साइड जाना है हमें। हाँ हमें जाना है लेफ्ट। इसी लाइन से मिल सकती है ब्रो, मिल जाए बस। पूछ रही आपके पास वेस्टर्न में वाइट फ्रॉक है सब? नहीं नहीं नहीं। आपको भैया आइडिया है कोई वाइट फ्रॉक वेस्टर्न में कहाँ मिलेगी? कौन सी हाउस? वहाँ से मिल जाएंगे। लेट्स सी भैया, दो एड्रेस तो बताया, आशीर्वाद और दूसरा मैं भूल गई। हाँ दो जगह बोली है उन्होंने कि वहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ से मिल जाएगा। लेट्स सी, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, हम ढूंढ ही लेंगे। I hope guys मिल जाए। इसका प्राइस है डबल टू नाइन फाइव। थोड़ा 1500 तक भी लगा दोगे ना तो मैं ले लूंगी। लगाने से सिस्टम नहीं है बट होली में इतना मजा आ रहा है। ओके आप ये संभाल के रखो। वेस्टर्न कहाँ मिलता है पता नहीं भाई, यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आता इस मार्केट का। मैं कितनी बार आ चुकी हूँ बट मैं बहुत ही कंफ्यूज रहती हूँ इस मार्केट में। इसमें बोला गया है कि वेस्टर्न मिलेगा, कहाँ वेस्टर्न मिलेगा दिख ही नहीं रहा, सब एथनिक एथनिक। आज का टास्क है मुझे यहाँ से वाइट कलर की फ्रॉक चाहिए, वो भी सस्ते में, क्योंकि मुझे सिर्फ होली के लिए पहननी है। सो देखते हैं कि ढूंढ पाते हैं या नहीं। तो लेकर जाएंगे यस, कैसे भी लेके जाएं, जिद्दी लड़की हो चुके हैं वाइट फ्रॉक के मिशन पे। वाइट फ्रॉक चलिए चलिए चलिए, हमें फ्रॉक के नाम पे एथनिक दिखा के वो कर रहे हैं टाइम पास हमारे साथ, बताओ लोग। ओके ऊपर जा रहे हैं ब्रो। हे भगवान प्लीज यहाँ से मिल जाओ, ये मेरी लास्ट दुकान हो। मुझे भी सही लगा, अगर कुछ भी नहीं है तो मिल रहा तो उसकी अकॉर्डिंग तो बहुत ही सही है और रीजनेबल भी है। नहीं वाइट ही, वाइट ही सेट पूरा की कलर भी था। यस ये अच्छी लग रही है बताओ। मुझे तो अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। कुछ और अच्छा तो आप प्लीज दिखा दो, चेक कर लिया मैं सब ले लूंगी। ये मेरे लिए वाइट, अभी मैंने इसके ऊपर पहन के बस फिटिंग देख ली है, मुझे अच्छी लग रही है, मैं ये ले रही हूँ। और मैं रिचा को फोन कैमरा इसीलिए नहीं हैंडल करने दे रही रुचि को क्योंकि शी इज वेरी बैड कैमरा मैन। क्या लेना है दीदी बताइए आप। ओके दिस इज फाइनल एंड वेरी रीजनेबल। रोमन स्लीपर, रोमन स्लीपर, रोमन स्लीपर, दिस इज वेरी नाइस। आई थिंक चाहिए ये, मैं ले रही हूँ वाइट फ्रॉक के साथ। और मैंने अपनी वाइट ड्रेस भी ले लिया और उसके साथ नीचे पैरों के लिए भी ले लिया है, बहुत अच्छा सा कुछ। सो मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस में, बार्गनिंग तो नहीं मेरे से होती है बट फिर भी मैंने ट्राई किया गाइस। ओके शाम को मिलते हैं, आई एम वेरी टायर्ड नाउ, फिर दिखाती हूँ क्या लेके आयो क्या। गाइस से पहले ना मैंने बहुत सारी बकवास कर ली और कैमरा ऑफ था। खैर दोबारा ट्राई करती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का फेस पैक
जो क्योंकि मैं धूप से आई हूँ और मैं दोबारा फिर से शावर लूंगी क्योंकि मुझे पार्टी भी के लिए जाना है और पार्टी जाने के लिए मैं किसी चीज का कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। सो अब मैं बनाती हूँ बटना बोलते हैं हमारे में बेसन का, जिसको दूध और नींबू डाल के बनाती हूँ मैं। कच्चा दूध और नींबू डाल के हल्दी और बेसन, ये है पैक जो मैं अपनी बॉडी पे स्क्रब करती हूँ, अपने फेस पे फेस पैक लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं शावर लूंगी फिर से और फिर मैं रेडी होंगी पार्टी के लिए। वैसे मेरा टाइम पूरा हो ही गया है ब्लॉग का, आप ये ब्लॉग कंटिन्यू रखना, ये ब्लॉग कल आएगा और आधा नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट आएगा क्योंकि मेरे अब ब्लॉग्स बहुत लंबे होने वाले हैं। सो अगर ठीक है 20 मिनट्स का मैं डाल सकती हूँ, बट आप बिल्कुल मिस मत करना मेरे 3 डेज ये ब्लॉग, जो भी मेरे ब्लॉग्स अभी इस वीक में आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मस्ती वाले होंगे, ये पूरा गर्ल्स फन होगा और ऑफकोर्स आई एम क्रेजी। ओके मैं फेस पैक बनाते हुए मुझे एक चीज सामने आई, ये टिफिन है हमारे किसी फ्रेंड का, तो वो लंच लेके आया था और यहीं पे रह गया है। सो ये इसीलिए पड़ा है कि वो वापस ले जाए क्योंकि ये उसके बचपन का टिफिन है, सो वो ले जाए तो बेस्ट है और संभाल के तो हमने रखा हुआ है। बट जब किसी की कोई ऐसी चीज पड़ी होती है ना जो प्रीशियस होती है, जो बचपन से ही संभाल के रखी हो, तो फिर वो ऐसा लगता है कि संभाल के रख दो और बस वो ले जाए। सो या ओके तो मैं फेस पैक बना रही हूँ, इसमें थैंक गॉड प्रैक्टिकल बेसन मंगवा लिया था। ओके पता नहीं कौन सा ही कहना है, ठीक है बेसन तो बेसन होता है। ओके मैं पार्टीज के लिए बहुत प्रिपरेशन करती हूँ, मतलब मुझे रेडी होना जाना और पसंद है मुझे ये चीज़ें करना। सो मैं कुछ ज़्यादा वाला फेस पैक बनाऊंगी क्योंकि मुझे बॉडी के लिए स्क्रब करना है। ओके मैंने बहुत कचरा कर दिया है जैसे मैं हमेशा करती हूँ गाइस, अवेयरनेस। ये मैंने बेसन डाल लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी दूध और नींबू। अब मैं डालूंगी कच्चा दूध, गुलाब जल भी है, गुलाब जल भी डाल सकते हैं, हाँ गुलाब जल भी डालूंगी मैं थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी, हमारे में बटना बोलते हैं और ये तब लगता है जब लड़कियों की शादी होती है, बट मेरी शादी नहीं है। ओ गॉड खैर, और अब और एक नींबू, हाफ नींबू डालूंगी मैं, नींबू फॉर टैन। वैसे तो मैं पुष्कर जा रही हूँ और वहाँ पे तो इतनी धूप में सब ट्रांस चल रहा होता है, सब पार्टीज होती हैं, सो मेरे लिए तो डिफिकल्ट होगा, मैं पूरी टैन होके होने वाली, बट दैट्स ओके जस्ट कलर। मिक्स वेल, इसको मुझे लगा के फेस पे 10-15 मिनट रखना भी पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी मिक्स कर लेते हैं। ओके जो मैं भूल क्यों जाती हूँ, ओके मैं जो रोज वाटर यूज करती हूँ वो है खादी का, सी और अच्छा है ये, सो इसमें डाल लेती हूँ मैं, दैट्स इट, मिक्स वेल। फ्रेग्रेंस रोजेस, सो मैं बहुत थिक थिक फेस पैक बना रही हूँ, सी कॉन्सिस्टेंसी। अब ये मेरी बॉडी स्क्रब और मेरे लिए वैसे यूज होगा, सो आप भी ट्राई कर सकते हो, सी आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं है सैलून जाने की, घर में बहुत सारी चीजें हैं और वैसे भी मेरी स्किन बहुत ही वैसी है कि हर चीज बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है और बहुत ड्राई स्किन है मेरी, बट आज तो मैं जब भी बटना, मेरे को मेरी मम्मी मना करती है ये सब लगाने से, उनको लगता है कि ये लगाने से नजर लग जाती है, और ये जब मैरिड लड़कियों को लगाते हैं तो उनको बहुत नजर वजर से बचाते हैं और तुम ऐसे ही लगा के चली जाती हूँ, बट हमारे पंजाबी में थोड़ा वहम ही, मम्मी हम थोड़ा वहम करती हैं, सो ओके फाइन चलो एटलीस्ट उनको ये तो पता है उनकी लड़की खूबसूरत है। ओके अब बने रहो, बटना मैं अभी लगा सकती हूँ लेकिन ये बाल मुझे बहुत कैरी करने पड़ेंगे। फेस वॉश कर लिया है, मैं फेस पे आपको लगा के दिखाती हूँ, आई होप कि ये सबको आता ही होगा लगाना,
बट ये बहुत ही वो है, और इसके बाद आप नहीं बोलोगे क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो जाता है और आपकी स्किन में रिंकल्स हो सकते हैं। ये स्क्रब का भी काम करेगा और फेस पैक का भी। अब मैं इसको लगा के बोलने वाली गाइस, दिस इज वेरी रिस्की। इसको जब तक नहीं सूख जाएगा, चाहे आधा घंटा हो चाहे 15 मिनट हो, इसको 15 मिनट से ज्यादा रखना मत क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है सूखने के बाद। ओके सो डन, मैं हो गई हूँ रेडी सैटरडे के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने पहना है। गाइस अवॉइड माय मिरर, सो मैंने एक स्लाइट ड्रेस पहनी है और मुझे ब्लैक पहनने का बहुत मन था क्योंकि मैं व्हाइट पहनने वाली होली पे, सो आई थॉट कि व्हाइट ही सही। ओके गाइस सो मिलते हैं पार्टी में। सीधी स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट, यस गाइस जा रहे से पहले जब तक हमारी कैब नहीं आएगी, और मैं तो बहुत ही I love my hair. I love him. I'm just with my hair. फ्लैक्स की शक्ल दे। गंदी सी लिफ्ट में आज एक लड़की एक्स्ट्रा दिख रही होगी जो फ्लैक्स की फ्रेंड है। अब मुझे कमेंट करके बता देना मैं हॉट लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। बहुत ही गंदा है यार, उफ साफ कर दो। सी गाइस सिम सिम।